चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत के लिए इलेक्शन जीतना नामुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के लिए तो इंतखाबी मुहिम चलाना भी मुश्किल है। नैब कवानीन में तब्दीली पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सारा मुल्क और अदारे ट्रायल पर हैं, कौम न्यूट्रल्स की तरफ देख रही है। पुरअमन एहतजाज का हक नहीं तो कह दे मुल्क में जमहूरियत खत्म हो गई। पुरअमन एहतजाज करूंगा, देखते हैं जमहूरी हक माना जाता है या नहीं। नहीं पता हुकूमत किस सूरत हाल में मुल्क छोड़ेगी। FIA ने मोनस इलाही के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। FIA के जराये के मुताबिक मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तहकीकात होगी। हुकूमत ने शवाहिद मिलने के बाद तहकीकात का फैसला किया है। FIA ने मोनस इलाही और उनके खानदान के लेन देन को चेक किया। गुजरांवाला में पटवारी की तैनाती पर दो लीगी MPs आमने सामने। ख्याली शाहपुर सर्कल में एक माह में पटवारी को 3 बार लगाया और हटाया गया है। लीगी MPA नवाज चौहान का इमरान खालिद भट्ट पर हल्के में मुदाखलत का इल्जाम। इमरान खालिद भट्ट बोले मामला वजीर आला दफ्तर के नोटिस में है, मुदाखलत का इल्जाम गलत है। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें KNN News Live।